हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के, जो फेज टू में आपका होने वाला है जीडी ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आ सकते हैं। अब देखो, ये जो जीडी का टॉपिक है, कोई भी 100% श्योर नहीं बोलेगा कि आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पर डिपेंड करते हैं उन लोगों पर कि वो क्या टॉपिक देते हैं। फिर भी हमें वेल प्रिपेयर करके जाना होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं पढ़ के हमें जाना होता है। तो जैसा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, देखो कल वेबसाइट पे मैंने जैसा कि आपको दिया था, लिंक दिया था इस वेबसाइट पे, ये जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें जो जो था, तो उसको मैंने बोला था कि आपको पैराग्राफ के रूप में इंग्लिश में एक एक करके दे दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुलवामा अटैक, राफेल, व्हाट इज राफेल डील, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ बताई थी, जीएसटी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, इंटरनेट इम्पैक्ट के बारे में पढ़ लेना, ये सभी चीज़ें मैंने बोला था एक एक करके, हर एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज ही जस्ट मैंने अपने वेबसाइट पर आपको ए टू जेड स्टडी डॉट इन, जो आपको वेबसाइट दिख रहा है www.a2zstudy.in, इस पर आज न्यू पोस्ट कर दी आपके लिए। तो आप यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके आप लोग पढ़ लेना एक बार। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप आगे देख लो व्हाट इज राफेल डील। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे गाइड कर दिया इंग्लिश में ही है, बिकॉज जी डी आपको इंग्लिश में ही होगा, कंपलसरी है इंग्लिश में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर हिंदी में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे प्रेफरेंस पर दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनका इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग, व्हाट इज राफेल डील यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक एसे टाइप का यहाँ पर लिख दिया, आपको दिख रहा होगा एसे, ठीक है, एसे ऑन राफेल डील, ठीक है, जो कि एयरफोर्स की जी डी के एग्जाम में भी काम आएगा, एसएससी बैंकिंग के जो डिस्क्रिप्टिव आते एग्जाम उन सभी में भी आपको काम आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लेना इंग्लिश में, हिंदी में इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज हिंदी में कोई आपका काम आएगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश करो जितना भी समझ में आता है समझो, मैंने कोशिश किया कि इसमें इजी वर्ड कहीं यूज किया है ताकि आपको इजीली इसमें समझ में आ जाए, है ना। तो अब यहाँ से पढ़ लेना, ये आपका पार्ट वन है जीडी के लिए, समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया। और एग्जाम तक आपको मैं डेली एक पैराग्राफ दे दूंगा, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कौन कौन से थे वो सभी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस पोस्ट पे मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन, तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके सभी विजिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखो पुलवामा अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, और देखो ये जो कलर में आ गया है, मतलब यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया आपको, यहाँ से डायरेक्ट आप लिंक से राफेल डील के बारे में पढ़ सकते हो। फिर जैसे जैसे मैं इसके बारे में आपको पोस्ट करते जाऊँगा, आपको नोटिस देते जाऊँ, मतलब नोटिफिकेशन देते जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जीडी की प्रिपरेशन यूट्यूब पे नहीं होगी बल्कि वेबसाइट के थ्रू ही होगी, तो ध्यान में रखना वेबसाइट को a2zstudy.in, ठीक है, तो आपका वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे जाके हर एक पोस्ट को देख लेना। और जिसको भी एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के फेज टू के बारे में जानना है अच्छे से, वो सभी वेबसाइट पे मैंने पोस्ट दे रखा है अभी तक, तो 12-13-14 पोस्ट लिखे हैं मैंने यहाँ पे। तो अच्छे से अगर एयरफोर्स के रिलेटेड जितने भी पोस्ट आप पढ़ लेते हो, तो फेज टू के बारे में 0 लेवल से लेके लास्ट लेवल तक आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा फेज टू में, क्या नहीं होगा, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, यहाँ से आप लोग रीड कर लेना एक बार। और पोस्ट अगर पसंद आ जाए तो वेबसाइट पर भी नीचे कॉमेंट बॉक्स रहता है, ठीक है ना, वेबसाइट के नीचे भी देखो यहाँ पे कॉमेंट बॉक्स रहता है, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बता दिया करो। देखो कुछ बच्चे ने किया है कमेंट यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता दिया करो कि पोस्ट आपको कैसा लगा या फिर इसमें क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, फिर मैं आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा, मैं यहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। चलो गुड बाय।